16 अप्रैल पिछले 24 घंटा में साउथ इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके और नॉर्थ इंटीरियर का हमारा देवगढ़ एंड ओंगोल साउथ कोस्टल का पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। हाईएस्ट बारिश जो हुआ फुलवानी में 23.4 मिलीमीटर कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में और हराभांगा 17.0 मिलीमीटर बोधगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, बारकट 16.2 मिलीमीटर देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, फिरिंगिया 16.2 मिलीमीटर कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में, बोलांगीर 11.0 मिलीमीटर, कंतामाल 11.0 मिलीमीटर, तारभा 8.0 मिलीमीटर, इस तरह से रेनफॉल हल्का से मध्यम एक दो जगह करके हुआ है। और हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर था हमारा सुंदरगढ़ में 40.0, यही सबसे हाईएस्ट था, 40 से बाकी सभी जगह में 40 से नीचे था। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अभी स्वाभाविक का आसपास है, बट स्वाभाविक से नेगेटिव साइड है, एक दो डिग्री करके बिलो नॉर्मल भी कुछ कुछ जगह में है। अभी हमारा अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट रहेगा, इसमें अगला 5 दिन में आज हमारा कोस्टल उड़ीसा का एक दो डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके और सुंदरगढ़, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, ढेंकनाल, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरि इंटीरियर का ऐसा डिस्ट्रिक्ट का एक दो जगह में हल्का से मध्यम बारिश थंडरस्टॉर्म का साथ हो सकता है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग मेनली जो वार्निंग हमारा है कोरापुट, गजपति, केन्दुझर, मयूरभंज, बालासोर, रायगढ़, देवगढ़, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। फिर कल से मीन्स हमारा 17-18 इसमें मोस्टली मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में ड्राई वेदर रहेगा, एक दो जगह में थंडरस्टॉर्म के साथ रेनफॉल हो सकता है। इसमें जैसा 17 काल मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केन्द्रपड़ा, जगत सिंहपुर, गजपति ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, फिर 18 मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह में हल्का से मध्यम बारिश हो सकता है थंडरस्टॉर्म के साथ। फिर डे 4 19 तारीख को फिर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थोड़ा इंक्रीज होने का चांसेस है, इंटेंसिटी भी इंक्रीज होने का चांसेस है और एरिया भी इंक्रीज होने का चांसेस है। तो 19 तारीख को हमारा कोस्टल उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह करके और मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकनाल, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट ये इंटीरियर मीन्स कोस्टल एडजोइनिंग इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग तेज हवा भी 30-40 हो सकता है, मेनली नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा का सभी डिस्ट्रिक्ट के साथ खुर्दा, पुरी, ढेंकनाल, मयूरभंज, गजपति डिस्ट्रिक्ट में। फिर डे 5 में फिर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा बट थोड़ा कम, कंपेरेटिवली कम होने का चांसेस है। उसमें मलकानगिरि, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम, केन्दुझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, सुंदरगढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है। मलकानगिरि, कोरापुट, रायगढ़, गजपति, गंजाम, मयूरभंज, बालासोर में उसमें वार्निंग है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग। अभी हमारा कुल मिलाकर के जो है अगला 5 दिन का अंदर 19 को थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा होने का चांसेस है, बाकी दिन में मोस्टली आज थोड़ा है बट 17-18 मोस्टली ड्राई वेदर रहेगा बट एक दो जगह में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ लाइट रेन हो सकता है। अभी हमारा भुवनेश्वर सिटी में जो है मेनली क्लियर स्काई से पार्टली क्लाउडी स्काई रहेगा, थंडर एक्टिविटी इवनिंग का तरह हो सकता है बट 19 में थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश होने का चांसेस भी है। और मैक्सिमम टेम्परेचर व डे टेम्परेचर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर अभी अगला 3-4 दिन में ग्रेजुअली राइज ही होगा और 3-4 डिग्री तो राइज होगा, तो फिर अगला 3-4 दिन में कुछ कुछ एरिया हमारा 40 एंड अबव टेम्परेचर जाने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में आज टेम्परेचर हमारा 39-40 का आसपास रहने का चांसेस है। और अभी आज का हमारा 16 अप्रैल आज हमारा मौसम विभाग से साउथ वेस्ट मानसून सीजन बट 2020-2021 मीन्स इस साल का मानसून में कैसा बारिश होगा उसका बारे में प्रेस रिलीज दिया गया है। इसमें हमारा ऑल इंडिया का जो बारिश का फोरकास्ट है इस बार मानसून जो बड़ा खबर है मानसून स्वाभाविक होने का चांसेस है, नॉर्मल बारिश होने का चांसेस है। नॉर्मल का रेंज होता है 96-104% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑल इंडिया का होता है हमारा 88 सेंटीमीटर और क्वांटिटिवली हमारा जो है इसका 96-100% का जो भी क्वांटिटिवली है 98% बारिश होने का चांसेस है। ये जो जून टू सितंबर ये हमारा मानसून कैलकुलेट किया जाता है, इस पीरियड में हमारा 98% बारिश होने का चांसेस है।
अभी हमारा बारिश हमारा मानसून का जो मेन जो टिगरिंग जो फैक्टर होता है उसमें एमसो एंड आईओटी मीन्स हमारा सी सरफेस टेम्परेचर और पैसिफिक एंड इंडियन ओशन का ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है, तो इसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है। और अभी एमसो कंडीशन न्यूट्रल है, हमारा इंडियन ओशन डाइपोल मीन्स इंडियन ओशन का जो सी सरफेस टेम्परेचर के ऊपर का जो ऊपर इंडेक्स है वो भी स्वाभाविक न्यूट्रल है। अभी इसमें जो हमारा फोरकास्ट है इसमें मानसून पीरियड में इसका अभी न्यूट्रल कंडीशन प्रिवेल करने का चांसेस है मीन्स एनसो कंडीशंस। और आईओडी मीन्स इंडियन ओशन का सी सरफेस टेम्परेचर का नेगेटिव आईओडी इंडेक्स होने का चांसेस है, इसका वजह से हमारा नॉर्मल और स्वाभाविक बारिश होने का चांसेस है, ये दिया गया है। अपडेटेड फिर हमारा रीजन वाइज और जो अपडेटेड प्रोबेबिलिटिस्टिक फोरकास्ट हमारा दिया जाएगा इसमें फिर मई लास्ट वीक में दिया जाएगा, उसमें जून का भी बारिश का फोरकास्ट दिया जाएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड योर कमेंट्स आर वैल्यूएबल एज वेल।